फ्रेंड्स, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप रोज की भागदौड़ भरी लाइफ में स्किन केयर के नाम पर सिर्फ अपने फेस की तरफ ही ध्यान देते हैं, लेकिन हाथों पर, गर्दन पर, कोहनियों पर, पैरों पर, घुटनों पर, टखनों पर, यानी कि बॉडी के और पार्ट्स पर फेस के जितना ध्यान नहीं दे पाते हैं, जिसके कारण इन जगहों पर काले निशान पड़ जाते हैं। फेस की स्किन टोन से हाथों पैरों की स्किन टोन बहुत अलग होने और काले काले निशान दिखने के कारण सबके मन में आपकी एक केयरलेस पर्सन की नेगेटिव इमेज बनने लग जाती है। समय के साथ इनका कलर और गहरा होता जाता है, जो बहुत बुरे लगने लगते हैं। पूरा हाथ गोरा होना, लेकिन कोहनी बहुत काली काली दिखना, और इसी तरह पूरा पैर तो साफ और गोरा दिखना, लेकिन सिर्फ घुटने और टखने काले दिखना कितना बुरा लगता है ना। चप्पल की स्ट्रिप्स के निशान और हाफ स्लीव्स कपड़े पहनने पर ऊपर के आधे हाथ की स्किन टोन अलग दिखना और कोहनी से नीचे के आधे हाथ की स्किन टोन अलग दिखना तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन काले निशानों की इस प्रॉब्लम को आप अपने घर में ही रखी चीजों से बनने वाले घरेलू नुस्खों की मदद से बहुत सस्ते में खुद ही ठीक कर सकते हैं। ये घरेलू नुस्खे बनाने और यूज करने में बहुत सरल भी होते हैं और पूरी तरह सेफ भी होते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सोनिया गोयल और ई कुंजी चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। मैं एक आयुर्वेद स्कॉलर और ब्यूटिशियन हूँ और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ स्किन क्लीनिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग के लिए एक बहुत ही बढ़िया घरेलू नुस्खा, जो आपकी कोहनियों, घुटनों और टखनों को पहले दिन से ही साफ करके आपकी पूरी बॉडी की स्किन टोन को एक जैसा कर देगा। एक प्याले में आप 4 चम्मच दूध ले लीजिए, इसमें 1 चम्मच नींबू का रस मिलाइए। बस इतनी आसानी से आपके लिए बहुत अच्छा स्किन क्लीनर, टोनर और मॉइस्चराइजर बनकर तैयार है। इसे रोजाना रात को सोने से पहले अपने फेस, गर्दन, कोहनी, घुटने, टखने, हाथों पैरों और काले निशान वाली सभी जगहों पर लगा लेना है और 10 मिनट बाद इसे धो लेना है। इसे यूज करते ही आपके काले निशान हल्के पड़ने चालू हो जाएंगे। 4 हफ्तों में आपकी स्किन की ऐसी टोनिंग हो जाएगी कि सारे काले निशान खत्म हो जाएंगे और पूरी बॉडी की स्किन टोन एक जैसी हो जाएगी। आप इसे फॉलो कीजिए और मेरे इसी तरह के बहुत आसान घरेलू नुस्खे देखते रहने के लिए ई कुंजी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।